अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लग रहा है। सवालों के घेरे में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं, लेकिन आज जब एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने ऋषिकेश उपाध्याय से उनका पक्ष जानना चाहा तो सवालों से बचकर निकल गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी बोलने से मना किया गया है। देखिए संजय त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। गलत हो रहा है, कुछ भी बोलने सर। मेयर साहब, आप आपको क्या लग रहा है जो ये हो रहा है सब क्या गलत हो रहा है? आप इतना तो बोल रही है मेयर साहब, बोल रही है। ऋषिकेश उपाध्याय हैं जो सवालों से बचकर निकल गए, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। हमने कई बार कोशिश करी, साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई में जाऊँगा, उसके बाद कुछ मीडिया के सामने चीज़ों को रखूँगा। लेकिन सवाल बड़े हैं और मेयर साहब से जब पूछे गए तो वो बिना जवाब दिए अपने घर से निकल गए। बताया कि किसी रिश्तेदार के घर में शादी का फंक्शन है, वहाँ जाना है। कुल मिला के अभी भी वो सवाल बरकरार हैं जो मेयर, जिनका उत्तर जो है वो मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को देना होगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। तो संजय त्रिपाठी हमारे साथ ग्राउंड जीरो अयोध्या से सीधे जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो आपसे हाथ जोड़ रहे थे, कुछ विनती कर रहे थे, और जब ऑन रिकॉर्ड सवाल पूछा गया तो वो सवालों से बचते रहे। आखिर वो कौन सी वजह है जिससे ऋषिकेश उपाध्याय बचना चाहते? देखिए विकास, साफ तौर पर ऋषिकेश उपाध्याय के रिश्तेदार इस जो जमीन की डील है जो विवादित है उसमें इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी रवि मोहन तिवारी उनके समधी का साला बताया गया, उसके बाद में उनका सगा जो भांजा है वो दीप नारायण बताया गया कि उसने एक लैंड की डील करी और सब पर सवाल खड़े हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ऋषिकेश उपाध्याय ने इन ज़मीनों को पहले अपने रिश्तेदारों और परिचितों के माध्यम से सस्ते में खरीदवाया और उसके बाद ट्रस्ट में उनकी जो अप्रोच है, पहुंच है, उसके जरिए इन ज़मीनों को ट्रस्ट को सीधे बेच दिया गया। और कल इस पर सवाल और भी तब खड़े हो गए जब पता चला कि जिस लैंड 890 वर्ग मीटर का सौदा ट्रस्ट ने 2.5 करोड़ रुपए में दीप नारायण से किया था, वो ब्रिजमोहन दास जो चौबुरजी मंदिर है उसके महंत हैं। उन्होंने कहा कि हम इसके सिकमी काश्तकार रहे हैं और ये हमसे जबरन प्रशासन ने कब्जा कराई है इस नाम पर कि राम जन्मभूमि को दी जाएगी। दीप नारायण को उन्होंने बताते हैं कि कभी भी इस ज़मीन पर नहीं देखा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सारा कुछ प्रभाव के जरिए कराने की बात सामने आ रही है और ऋषिकेश उपाध्याय पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जवाब देने से वो बच रहे हैं जबकि उनको अपना पक्ष सामने लाना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि ये गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो ये बात जमीन उन्हें कहनी चाहिए। जिसकी आप बात कर रहे हैं इसमें भी गवाह अनिल मिश्रा हैं। अनिल मिश्रा वो जो ट्रस्ट के सदस्य हैं और इससे पहले जब जमीन का जिसका विवाद हुआ था जो 18 करोड़ में खरीदी गई उसमें भी गवाह अनिल मिश्रा ही हैं जो ट्रस्ट के सदस्य हैं। देखिए ट्रस्ट की ओर से रजिस्ट्री हो रही है तो लाजमी बात है कि ट्रस्ट के लोगों को गवाही में रखा जाएगा। हालांकि पहले वाली जो डील हुई थी उसमें 2 करोड़ की ज़मीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से जो खरीदी गई थी उसमें अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय दोनों गवाह थे। वो बात थोड़ी आपत्तिजनक थी, लेकिन ट्रस्ट अगर कोई ज़मीन किसी से खरीद रहा उसमें इनकी गवाही पर कोई सवाल नहीं खड़े किया सकते हैं। हालाँकि ट्रस्ट इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो निर्मोही अखाड़े की जगह है। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि जरा तस्वीरें दिखाएं कि महंत दीनेन्द्र दास बैठे हुए हैं अंदर। हमने उनसे बात भी की और उनसे पूछा कि हमने कहा आप तो ट्रस्ट के सदस्य हैं, आप बताइए कि किस तरह की ज़मीन की हेराफेरी हो रही, आरोप लग रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ट्रस्ट जो ज़मीनें खरीदता है उसके लिए कुछ लोगों को अधिकृत किया गया है, वही लैंड परचेज का काम करते हैं या पैसे का ट्रांजेक्शन देखते हैं। उन्होंने कहा कि उनको ना तो इस विवादित सौदे की या किसी भी सौदे की जानकारी दी गई है। तो ऐसे में ट्रस्ट का पक्ष भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रहा है। कल संजय त्रिपाठी, आपको बीच में रोकूंगा। आपने जो महेंद्र धीरेंद्र दास से बात की है वो बातचीत वो सुनवा देते हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से हो रही जमीन की खरीद विवाद में है। इस विषय में बात करने के लिए हम आए हैं निर्मोही अखाड़े के महंत दीनेन्द्र दास जी से। दीनेन्द्र दास जी खुद भी ट्रस्टी हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट में। सर,
विवाद हो रहे हैं महाराज जी, एक के बाद एक ज़मीनें जो खरीदी जा रही हैं ट्रस्ट की ओर से। तर्क दिया जा रहा है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण किया जाना है, ऐसे में ज़मीनों को खरीदा जाना है, लेकिन एक के बाद एक जितने सौदे सामने आ रहे हैं, रोज़ नया कागज आता है जिसमें कोई ना कोई विवाद सामने आता है। आप खुद ट्रस्टी हैं, आप बताएँ जरा ये सब क्या हो रहा है। हम लोगों के लिए तो राम जी के ऊपर विश्वास है, राम जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, और राम जी आज नहीं तो कल अगर उसमें किसी गलती आएगी तो उसको राम जी दंड दे देंगे, उसमें हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी, जिस तरह से ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं, उनके रिश्तेदार सस्ती दरों पर ज़मीनें खरीद के ट्रस्ट को महंगे पे बेच रहे हैं, तो आप लोग भी तो ट्रस्ट में शामिल हैं, तो ये चीज़ें क्या आपकी जानकारी में नहीं आई? वो तो ज़मीन खरीदने बेचने का मामला जो है वो ये हमको नहीं मालूम है कहाँ किसने ख़रीदा है किसने बेचा है, ये बस इतने जानकारी हो कहाँ ज़मीन दिया गया है। ट्रस्ट के सदस्यों में क्या चर्चा नहीं होती इसके बाद? जो भी ट्रस्टी हैं इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में, उनमें आपस में आम सहमति नहीं बनती है, बोर्ड में प्रस्ताव पास नहीं होता, या आप लोग को रखा नहीं गया उसमें? नहीं, और ट्रस्टियों में तो आपस में सब बातचीत हो चुकी थी कि हाँ जो स्थान इधर उधर उनको ज़मीन देने के लिए बात तय हो गई है वो, उसके लिए सब ट्रस्टी सब संतुष्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पैसा का लेन देन का मामला है वो हम लोगों को जानकारी नहीं थी। किनकी किनकी जानकारी में होता है इस तरह का जो डील करनी होती है पैसे की या ज़मीनों की? वो तो जो लेन देन करते हैं उन्हीं को जानकारी रहेगी। जी अब बोल नहीं रहे कुछ, थोड़ा सा ये तो बता दें कि इस तरह की अच्छा जांच की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? हाँ, वो तो जिसे राम जी को विश्वास है जो कोर्ट से शासन से जो भी निर्णय देगा हमारे ट्रस्टी लोग उसको मानने के लिए तैयार रहेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यूपी के बिजनौर में एक केस दर्ज किया गया। ये केस चंपत राय के भाई ने दर्ज कराया है। इस केस में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चंपत राय के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। पुलिस को चंपत राय के भाई ने जो अर्जी दी है उसमें आरोप लगाया गया है कि फेसबुक पर की गई टिप्पणी से चंपत राय के सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है और इससे हिंदू समाज का भी अपमान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है, चंपत राय पर टिप्पणी करने के मामले को लेकर बिजनौर में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में जो शिकायत है वो चंपत राय के भाई ने दी है और इसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है। चंपत राय के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में उन अर्जी में यह भी लिखा गया है कि फेसबुक पर की गई टिप्पणी से चंपत राय के सम्मान को ठेस पहुंची है और साथ ही साथ हिंदू समाज की भावनाओं को भी ठेस लगी है। ABP News आपको रखे आगे।